ये कोर्स जो है स्पेशली एसपीआई एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया गया है। इसके साथ ही आपको एसएसबी इंटरव्यू की जानकारी भी इस कोर्स के दौरान हमारे कमांडेंट सर द्वारा दी जाएगी। ये क्लास स्टार्ट होगी बच्चों 28 मार्च से लेके 27 अप्रैल, पूरे 30 दिन का ये प्रोग्राम है। आपको ये कोर्स ज्वाइन करने के पहले जो है इस ऐड को अच्छी तरह से देख लीजिए। एसपीआई एंट्रेंस एग्जाम जो है इसका फॉर्म आपको भरना है, जिसकी लास्ट डेट है 19 फरवरी, तो 19 फरवरी के पहले आपको इस फॉर्म को भरना है। इसके लिए वेबसाइट यहाँ पे दी गई है बॉयज के लिए www.spiaurangabad.com और गर्ल्स जो है इनके लिए www.girlsspi.com। तो ये दो वेबसाइट है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों जो है वो फॉर्म जो है बहुत जरूरी है, ये फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म की फीस है 450 रुपीज। अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका जो एसपीआई एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो है वो हमारी आईटी सेल भर देगी। इसकी फीस जो है जो आपको पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फी, तो आपका फॉर्म जो है हम भर के देंगे, और नहीं तो आप अपने मोबाइल से भी इस वेबसाइट को जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कोर्स, इस कोर्स के दौरान जो है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको जरूरी है जानना, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, पहले तो हम टू प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर एसपीआई एंट्रेंस एग्जाम अंडर द गाइडेंस ऑफ वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। हमारा टीचिंग स्टाफ जो है वेल क्वालिफाइड है। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए नहीं तो हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग टॉपिक्स के लिए आपको कोर्स के दौरान टीचर्स जो है वो पढ़ाएंगे। सेकंड, पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्पेशली टू डेवलप द लीडरशिप क्वालिटी इन द स्टूडेंट। तो एनडीए में अगर आपको जाना है तो एनडीए में लीडरशिप क्वालिटी जो है वो चेक की जाती है, और इस कोर्स के दौरान इस लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट डेली क्लास बाय अवर कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल संजय सोनोनी। हमारे जो कमांडेंट सर है ये जो है इस कोर्स के दौरान इनका एक डेली एक क्लास रहेगा, जो कि रहेगा एसएसबी इंटरव्यू के लिए। तो आप एसपीआई एंट्रेंस एग्जाम पास करते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, और एनडीए एग्जाम पास करने के बाद भी आपको एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इस इंटरव्यू की पूरी तैयारी जो है हमारे कमांडेंट सर इस कोर्स के दौरान करेंगे, और इनका एक डेली क्लास रहेगा। इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिस कोर्स। देन एवरी डे वन गेस्ट लेक्चर बाय एक्सपर्ट्स। तो हर एक दिन गेस्ट लेक्चर आएंगे, वो आपको यहाँ पे लेक्चर देंगे। तो हर एक दिन एक गेस्ट लेक्चर इस कोर्स के दौरान होगा। जैसे कि इस गेस्ट लेक्चर के दौरान हमारे स्कूल के प्रिंसिपल जो है निखिल जी राठौर सर, ये भी एक क्लास आपका लेंगे। देन हमारे स्कूल के असिस्टेंट एचएम जो है डॉक्टर पड़गन सर, ये भी आपका एक क्लास लेंगे। और हमारे स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल है डॉक्टर सोलंकी सर, ये भी इस कोर्स के दौरान एक क्लास लेंगे। तो अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स भी बाहर से आएंगे, और हमारे स्कूल में जो एक्सपर्ट्स है ये भी आपके इस कोर्स के दौरान क्लास लेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट स्पेशल गाइडेंस फॉर एसएसबी इंटरव्यू बाय आवर कमांडेंट सर। इसको तो मैंने पहले ही बता दिया, एसएसबी इंटरव्यू की पूरी तैयारी जो है इस कोर्स के दौरान ही की जाएगी। करियर गाइडेंस बाय द एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट जो है अलग अलग क्षेत्र से इस कोर्स के दौरान आएंगे, और वो जो है करियर के अलग अलग जो पहलू है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही जो है जो रियल हीरो जो है, जो अभी हमारे सोसाइटी में जिन्होंने हाल ही में कुछ अच्छा मकाम पाया है, तो ऐसे यंगस्टर जो है वो यंगस्टर को हम हमारे स्कूल में बुलाते हैं, और इस क्लास के दौरान भी बुलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे जो एक लड़की देख पा रहे हैं, ये इसका नाम जो है निकिता पाटिल, टेक्निकल ग्रेजुएट एंट्री से इसने आर्मी में ये ऑफिसर बनी है, और इसको एसएसबी इंटरव्यू का गाइडेंस जो मिला था वो हमारे कमांडेंट सर ने किया था। नेक्स्ट हर्षवर्धन, इसने एनडीए की एग्जाम पास किए है और इसके साथ एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर किया है, और ये जो है अभी एनडीए में ट्रेनिंग ले रहा है। तो ये जो हर्षवर्धन है ये भी हमारे स्कूल में आया था, तो बच्चों को इसने गाइड किया और इसको एसएसबी इंटरव्यू का गाइडेंस मिला था हमारे कमांडेंट सर द्वारा। तो ऐसे जो रियल हीरो जो है इनको भी हम इस कोर्स के दौरान जो है करियर गाइडेंस के लिए बुलाएंगे, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी।
देन पॉजिटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया एंड देयर ड्रॉबैक्स. तो टेक्नोलॉजी का यूज इस दौर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेरेंट्स भी इस पॉइंट पे गौर करें, हमारे सक्सेस में ये अहम रोल प्ले करता है. और उसका दूसरा पहलू है टेक्नोलॉजी का सही ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए. टेक्नोलॉजी जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर और साथ ही सोशल मीडिया को कैसे हमारे प्रोग्रेस के लिए यूज करना है इसके बारे में क्लास रहेगी, और सही ढंग से इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी. देन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर कोर्स इज दैट मेन फोकस ऑन द स्पोकन इंग्लिश ड्यूरिंग द कोर्स. तो बच्चों जो भी SSB इंटरव्यू होता है इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो इस कोर्स के दौरान जो 30 दिन का हमारा कोर्स है इसमें पूरे 30 दिन जो है आपका कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश में होगा, और इंग्लिश कम्युनिकेशन की क्लास भी इस कोर्स के दौरान होगी. देन अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कोर्स इज दैट स्पेशल अटेंशन ऑन द फिजिकल फिटनेस. तो आपको यहाँ पे रहना है तो मॉर्निंग में आपको फिजिकल फिटनेस की क्लासेस रहेंगी. इसमें योगा है, मेडिटेशन है, देन एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सरसाइज जो है ये हमारे एक्सपर्ट करवाएंगे. हर संडे जो है आपको जो है राइफल ट्रेनिंग जो है यहाँ पे दिया जाएगा. इसके साथ जो है संडे को आपको ट्रैकिंग के लिए भी लिया लेके जाएंगे, फिजिकल फिटनेस जो है एक्सरसाइज आपसे करवाएंगे. तो इसके लिए हमारे पास एक 6 लोगों की टीम है जिसको हम कहते हैं एजुकेशन इंस्ट्रक्टर. तो 6 एजुकेशन इंस्ट्रक्टर है, ऑल द एजुकेशन इंस्ट्रक्टर आर बिलोंगिंग टू द आर्मी. ये आपको फिजिकल ट्रेनिंग दिलवाएंगे जिसमें सीनियर जो है सीनियर मोस्ट जो है हवालदार भुतेकर, देन हवालदार सोमवंशी, देन लांस हवालदार नेटके, देन नायक रविंद्र, उसके बाद है लांस हवालदार अहिरे और नायक राजपूरे. तो ये 6 लोगों की टीम जो है ये आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में पूरी जो है वो जानकारी इस कोर्स के दौरान दी जाएगी. आपसे एक्सरसाइज भी होगा और इसके साथ साथ योगा, मेडिटेशन जो है मेडिटेशन भी इस कोर्स के दौरान आप किया जाएगा. तो फैसिलिटीज़ इन स्कूल, स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ये है हमारी स्कूल बिल्डिंग नंबर 1. यहाँ पे हम आपके क्लासेस होंगे. ये हमारी स्कूल बिल्डिंग नंबर 2 है. 2 स्कूल बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी स्कूल बिल्डिंग्स जो है हमारे स्कूल में है. ये बॉयज़ हॉस्टल आपके सामने है, यहाँ पे आपके रहने की सुविधा होगी. गर्ल्स हॉस्टल जो है ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो लड़कियों को रहने के लिए ये हॉस्टल है. तो हॉस्टल में रूम्स जो है रूम्स में इस तरह के कॉट्स होंगे आपको रहने के लिए. डाइनिंग हॉल जो है यहाँ पे आपको आपकी खाने की व्यवस्था की जाएगी. और प्लेग्राउंड्स जो है यहाँ पे आप हर दिन इवनिंग में आपका 1 घंटा स्पोर्ट का क्लास रहेगा. यहाँ आप अलग अलग तरह के स्पोर्ट जो है वो खेल पाएंगे. इस तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज जो है वो इवनिंग में आपसे करवाई जाएगी. क्लासरूम और रीडिंग हॉल्स जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब आपको जो है सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी करने के लिए अलग क्लास जो है सिटिंग अरेंजमेंट जो है स्कूल में किए. इसके साथ साथ डिजिटल क्लासरूम भी है, कुछ क्लासेज जो है आपके जो है डिजिटल क्लास में होंगे. तो इस तरह से डिजिटल क्लास की फैसिलिटीज भी स्कूल में अवेलेबल है. तो बच्चों यहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिली होगी इस कोर्स के बारे में. तो यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी आपको करवाना है. तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए. देन थैंक्स फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो. प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो. इफ यू वॉन्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स एंड अवर स्कूल देन यू कैन ऑल्सो सर्च द इन्फॉर्मेशन ऑन अवर स्कूल यूट्यूब चैनल. द नेम ऑफ अवर स्कूल यूट्यूब चैनल इज मिलिट्री स्कूल छत्रपति संभाजीनगर. थैंक यू वेरी मच.